कोलकाता में आज जो हुआ उसे सबको देखना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान किया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उम्मीदवारों का नाम लेते रहे और उम्मीदवार मंच पर आता गया। इसके बाद ममता दीदी के साथ इन उम्मीदवारों ने रैंप वॉक भी किया है। पश्चिम बंगाल 2024 के आम चुनाव का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। फाइट सीधी है, मोदी बनाम ममता। लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉग बाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला, देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, तो बीच का रास्ता ढूंढा जाए। एक तरफा में कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है। एक से एक योद्धा, एक से एक रणनीतिका, एक से एक सियासी सूरमा। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल विजय ही दिल्ली जीत का रास्ता है। ऐसा क्यों है, इसकी डिटेल समझनी आज बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने हाफ और टीएमसी ने पूरा साफ कर दिया है कि उनके रणभाकुरे कौन है, मतलब कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा। बैटल ऑफ बंगाल के अलगार के बाद ममता बनर्जी एक्शन में है। क्या कहा सुनिए, उसके बाद दिखाएंगे किस करवट ऊंट बैठता दिख रहा है। अब की बार बंगाल में चुनावी ऊंट इलेक्शन आगे बोलवे क्या देबो क्या देवे ना उठा बैंक देवे তার মানে ব্যাক আউট করবে এবং ইলেকশনের পরে আপনাদের সব কেড়ে নেওয়া হবে আর ওপার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, কিন্তু আমরা আপনাদের সেলটার দেব, আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না। চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না, আধার কার্ড বাতিল চলবে না, গরিব মানুষের টাকা মারা চলবে না। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी यानी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद जो बात क्लियर हो गई है वो ये कि दीदी एकला चलो का राग गुनगुना रही हैं। जाहिर है इंडी गठबंधन का बंगाल में बंटाधार हो चुका है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी ने किसी पार्टी वर्कर को नहीं, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। मतलब कभी इंडी गठबंधन के लिए बैठक करने और स्ट्रेटजी तैयार करने वाली ममता बनर्जी अब इंडी गठबंधन के संपूर्ण खात्मे के स्क्रिप्ट चुकी है। देखिए, अभी जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहां पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉग बाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला, देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है, कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे, ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। तो पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से, कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा को राज्यसभा की एमपी बनाए गए, अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान।
लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। पहले टीएमसी के कुछ बड़े चेहरों की सीट देख लीजिए, फिर बंगाल चुनाव की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में थे और वहां वो टीएमसी पर खूब गरजे। आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की और बीजेपी पर खूब बरसी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नजर उत्तर बंगाल पे है, जिसे टीएमसी अपना गढ़ मानती है, और टीएमसी की नजर दक्षिण बंगाल पे है, जिसे बीजेपी अपना किला समझती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंडी गठबंधन की पार्टियां कहां हैं। ऐसे में बंगाल के मुकाबले को देखकर लगता है कि यहां जंग मोदी बनाम ममता की होने वाली है। मोदी से ममता की डायरेक्ट फाइट है और यही कारण दिख रहा है कि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को टिकट दिया है, जिन्हें लोकसभा ने निष्कासित कर दिया है। यही वजह है कि अपनी टॉप की दो एक्ट्रेस कम लीडर बनी नेत्रियों का टिकट काट दिया है। बसीरहाट से नुसरत जहां, इसी सीट में संदेश खाली आता है। दूसरी एक्ट्रेस जिनका टिकट कटा है, जादवपुर से मिमी चक्रवर्ती का। डायमंड हार्बर से ममता दीदी ने फिर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को टिकट दिया है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट मिला है और दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को। ये दोनों बिहार से आते हैं और ममता बनर्जी बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगाती हैं। ममता बनर्जी ऐ राज्येर मुख्यमंत्री तिनि नाकि महिला दरदी, तिनि नाकि 500 টাকা 1000 টাকা অনেক কিছু দিয়েছেন, তিনি আজকে দু মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল সন্দেশখালীতে আসার মতো প্রয়োজন অনুভব করেননি, উল্টো দিকে বিকাশ সিং সহ 76 জনকে জেল খাটিয়েছেন, অন্যদিকে আমাদের বোন দিদি রেখা পাত্র সহ আমাদের পদ্মাদি সহ আমাদের জাগ্রত মাতৃমণ্ডলী তাদের উপরে পুলিশকে দিয়ে। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। बैटल ऑफ बंगाल की क्लोजअप तस्वीरें दिखाएं। उससे पहले पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में एक्चुअली हुआ क्या था वो देख लीजिए, क्योंकि मोदी 2019 के चुनाव की नींव पर ही 2024 की मंजिल खड़ी करना चाहते हैं। पहले आंकड़े देखिए, इसके बाद आपको दिखाएंगे। बैटल ऑफ बंगाल में दो सुरमाओं, मोदी और ममता के बीच तीसरा कौन है? 2019 लोकसभा चुनाव टीएमसी ने कुल सीटें जीती थी 22, वोट शेयर 43.7% का रहा। बीजेपी को मिली कुल 18 सीटें, वोट शेयर 40.6 का रहा। कांग्रेस 2 सीटों पर विजयी हुई, वोट शेयर रहा 5.7%, और लेफ्ट का तो पत्ता ही साफ हो गया। बंगाल में बीजेपी का टारगेट 35 सीटों का है और ममता बनर्जी अपने 2019 के परफॉर्मेंस को और भी बेहतर करना चाहती है। चतुष्कोणीय मुकाबले में कांग्रेस कहीं कहीं दिख रही है और लेफ्ट का तो बहुत बुरा हाल है। बीजेपी को बंगाल में मैदान साफ दिख रहा है, लेकिन बीच में दीदी की दीवार है जिसे तोड़ना बहुत ही कठिन है। ममता दीदी के उम्मीदवार मंच पर रैंप वॉक करते देखे। पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया और अभिषेक बनर्जी एक एक कर 42 नाम बोलते गए और कैंडिडेट मंच पर सामने आते गए। इसके बाद सभी प्रत्याशियों के साथ ममता बनर्जी ने रैंप वॉक किया। ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे और से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। तो हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहते हैं, कहकर आ रहे हैं कि इंडिया जनबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है, और वो भी ममता बनर्जी कह रही थी। ममता जी भी ने यही कहा है और वो उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को मैं हराना चाहती हूँ, पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता, एक साथ अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला संभव।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का लेफ्ट की सत्ता उखाड़कर खुद को स्थापित करने का वक्त बहुत पहले गुजर चुका है, लेकिन ममता बनर्जी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि नई सियासी फिजा में ममता दीदी नए विकल्प की तलाश में निकली, लेकिन इंडी गठबंधन के तौर पर उन्हें ये भी हासिल नहीं हुआ। इंडी गठबंधन की तो हांडी ही फूट गई, दूसरी ओर बीजेपी है, एनडीए है, मोदी है, जो पश्चिम बंगाल का कण कण नाप देना चाहते हैं। राजनीति की कटीली राहें बीजेपी के राह में बहुत है, लेकिन अब की बार जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रैलियों का रेला लगा दिया है, उसका सीन कुछ अलग दिख रहा है। 1 मार्च हुगली, 6 मार्च 12-7 में जनसभा, 9 मार्च सिलीगुड़ी में रैली। पहली दो यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री ने दक्षिणी पश्चिम बंगाल के जिलों हुगली, नदिया और उत्तर 24 परगना का दौरा किया। इन जिलों को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी फेहरिस्त में बंगाल कितने नंबर पर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल यात्रा की तेज रफ्तार से समझ सकते हैं कि सिर्फ 9 दिनों में पीएम मोदी 3 बार बंगाल पहुंच चुके हैं। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अवताचार। टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। मोदी और ममता की इस लड़ाई में मुस्लिम वोटर बीच में है। आंकड़े कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 7 सीटों पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, 6 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो 7 और 6 मतलब 42 में से 13 सीटें। अब बीजेपी का टारगेट है 35, तो 35 और 13 कितने हुए, 48। और बंगाल की कुल सीटें हैं 42, तो ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटरों पर भरोसा है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और मुस्लिमों की कुल आबादी है 27%। बीजेपी अब की बार ममता बनर्जी को यही समीकरण समझाने में जुटी है। ममता दीदी ने ऐसा ही समीकरण लेफ्ट को समझाया था जब सरकार में आते ही उन्होंने मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए कार्यक्रमों की झड़ी लगाती दिखी। ममता बनर्जी 2011 में जब सत्ता में आई तो इमामों के लिए भत्ते, मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कल्याण बोर्ड का निर्माण, मदरसों के लिए 50 करोड़ का अनुदान। ममता दीदी ने मुस्लिम वोट बैंक मजबूत कर लिया। बीजेपी हिंदू वोटरों के बीच पहुंची, उन्हें घुसपैठिया और टीएमसी के शाहजहां शेख जैसे आरोपी नेताओं से बचाने का भरोसा दिया। नतीजा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में रेला उमड़ रहा है। मोदी मैजिक को बेअसर करने और हिंदुत्व का कार्ड ढूंढते ढूंढते ममता बनर्जी सरकार अब यहाँ पहुंच गई है कि रामनवमी 17 अप्रैल पर छुट्टी की घोषणा की है। उस दिन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा हमेशा से धूमधाम से मनाई जाती रही है, लेकिन रामनवमी और हनुमान जयंती अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक पैमाने पर मनाई जा रही है। ममता दीदी के पास इसका कोई तोड़ नहीं दिख रहा। बीजेपी उमड़ी चली आ रही है, उसके पास ममता दीदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप वाले तीर हैं, संदेश खाली में गैंगरेप की वारदातें हैं, शाहजहां शेख का राशन वाला घोटाले का आरोप है और ममता बनर्जी के पास बंगाल की सत्ता जिसे दिल्ली से गुरेज है। पश्चिम बंगाल के लोगों में राजनीति रोम रोम में बसी हुई है, लेकिन जब से बीजेपी की एंट्री हुई है तब से सूबे की सियासत बदल गई है। ममता बनर्जी के मां माटी मानुष के अलावा बीजेपी की भारत माता, राम मंदिर, घुसपैठियों को भगाने का वादा और दूसरे मसले भी हैं। लेकिन एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ ममता की ताकत है। देखना होगा लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। आम चुनाव में मोदी या ममता किसे वोट देगी बंगाल की जनता, ये तो जनता जनार्दन ही जाने। जिसके पास मुद्दों की कमी नहीं, जिसके पास विकल्प है, फिलहाल तो बीजेपी और टीएमसी की फाइट का वक्त है, जोरदार लगातार।